हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मुझे ये बता रहे हैं कि उनको स्लोवाकिया वर्क वीज़ा का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि एम्बेसी ने मना कर दिया है। मैंने कम से कम 4-5 वीडियो बनाए हैं, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। एम्बेसी ऑफ जो स्लोवाक रिपब्लिक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए एम्बेसी ने क्या लिखा है कि वो वर्क एम्प्लॉयमेंट जो है उसको सस्पेंड कर रहे हैं, बट नेशनल वीज़ा जो है ये देखिए, सस्पेंडिंग द प्रीवियस ऑनलाइन फॉर नो लो एंड हायर क्वालिफिकेशन जॉब्स बट फॉर ऑल अदर पर्पसेस। मतलब अगर आपको टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट PR लेना है वहाँ का, टेम्प्रेरी PR, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और PR आप कब अप्लाई करते हैं? जब आपको कोई एम्प्लॉयर स्लोवाकिया का जॉब ऑफर करता है। समझिए फ्रेंड्स, प्लीज़ समझिए। तो इसका मतलब अभी भी आप मेल कर सकते हैं। आप देखिए, अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल अदर पर्पज ऑफ नेशनल डी वीज़ा विल रिमेन बाई ईमेल ओनली। मतलब आप TR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने ये लिखा है कि नो एंड लो हायर क्वालिफिकेशन के एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जो ऐसा लिखा है, बट अपॉइंटमेंट फॉर ऑल अदर पर्पज ऑफ नेशनल वीज़ा, मतलब आप TR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी एजेंट है जिसको थोड़ी समझ है, वो समझ जाएगा कि एम्बेसी क्या बोल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, जानकार बनिए, होशियार बनिए, बेवकूफ़ मत बनिए। ठीक है, मैं जानबूझ के ये लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। आप लोगों ने ढंग से पढ़ा नहीं है, आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ के छोड़ दिया है इसको। आप देखिए यहाँ पे, फिर से देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपॉइंटमेंट फॉर ऑल अदर पर्पज नेशनल विल रिमेन बाई ई मेल ओनली एट कॉन्स डेली एट MZV.SK। मेल करिए फ्रेंड्स, मेल करिए प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेल करिए। आप लोग खुद मुझे थैंक यू बोलेंगे 2 महीने बाद, जब आप लोगों का मेल पे आप लोगों की रिप्लाई आएगी। देखिए, बिना कोशिश किए हार मानना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। कोशिश करिए, मेल तो करिए, आप एक बार करिए, 2 बार करिए, 100% रिप्लाई आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब उन्होंने लिखा है कि नेशनल डी वीज़ा के लिए आप ईमेल से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, तो क्यों नहीं कर रहे? जब आप ये बात मान रहे हैं कि उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, तो ये वाली बात क्यों नहीं मान रहे आप लोग? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग प्लीज़ ईमेल करिए फ्रेंड, जानकार बनिए, होशियार बनिए, और प्लीज़ सारे काम खुद करिए। खुद करेंगे तो कॉन्फिडेंट रहेंगे। कोई भी डाउट है फ्रेंड्स, मेरे व्हाट्सएप पे आके मुझसे कम्युनिकेट करिए, आप पूछिए। बट मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेल करिए। टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट के लिए अभी भी ओपन है, आप देख सकते हैं। कैन रिक्वेस्ट द अपॉइंटमेंट फॉर अगस्त, जुलाई, जुलाई अगस्त, 3 जुलाई से ऑलरेडी हो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरी बात मानिए, मेल करिए। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, ये देखिए इन्होंने यहाँ लिखा है, ईच ई मेल मस्ट कंटेन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नेम, सर नेम, पासपोर्ट नंबर, और मस्ट क्लियरली रिक्वेस्ट कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन विद द अटैच स्कैन कॉपी ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट। ये सारे डिटेल भी आपके ईमेल में होना चाहिए। ये देखिए एम्बेसी बोल रही है यहाँ पे, उसने इस मैसेज के बाद लिखा है, ईच ईमेल मस्ट कंटेन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नेम, सर नेम, पासपोर्ट नंबर, मस्ट क्लियरली रिक्वेस्ट कैटेगरी ऑफ द एप्लीकेशन विच द अटैच स्कैन कॉपी ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट विच कन्फर्म द पर्पज ऑफ स्टे इन स्लोवाकिया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सब भी आपको डालना है। ई मेल्स विदाउट रिक्वेस्टेड डेटा एंड स्कैन कॉपी ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड विल बी डिलीटेड ऑटोमेटिकली। मतलब अगर आप ऐसे ही हवा में ई मेल भेजेंगे और सोचेंगे मेरा आ गया है, तो कुछ नहीं होगा। क्या होगा? ये देखिए, ई मेल विदाउट रिक्वेस्टेड डेटा एंड स्कैन कॉपी ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट, वो डिलीट कर देंगे। और आप यहाँ सोचते रहिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे ही बिना कुछ सोचे हमने मेल भेज रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमें आया नहीं। फ्रेंड, ऐसे नहीं चलता है, वो एम्बेसी है। अगर एम्बेसी ने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दिया है, तो आपको अच्छे से ईमेल करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को फिर से समझा रहा हूँ, ऐसे ही किसी एजेंट को देके बाद में हवा में बोलना कि मेरा तो आया नहीं, आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने पढ़ाई की? आपने पढ़ा कुछ नहीं किया ना आपने, तो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये कॉन्स डेली पे मेल करिए, ये सारे डिटेल्स डालिए इसमें। ठीक है, स्कैन करके अच्छे से डालिए, और स्कैन भी आपका अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी स्कैन करके डाल दिया। अब देखिए, इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है, एप्लीकेशन में नीड टू सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ टेम्प्रेरी रेजिडेंस विच आर सबमिटेड विद इन द एप्लीकेशन ऑफ नेशनल डी वीज़ा। जो मैं आपको बोल रहा था कि टेम्प्रेरी रेजिडेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और TR कब अप्लाई होता है? वर्क के लिए अप्लाई होता है। फ्रेंड्स, जानकार बनिए, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, जानकार बनिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब डॉक्यूमेंट लगाइए, मेल भेजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई डाउट है तो मेरे पास आइए। आप टेक केयर।